संसार का स्वरूप क्या? इस संसार का स्वरूप क्या? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते दावानल। असल में ये संसार का स्वरूप क्या? भागवत जी कहते अथाह महासागर। भागवत जी में 12वां स्कंद में आया, सुखदेव जी आखिरी में कहते संसार सिंधु। ये संसार सिंधु है, सागर, अथाह सागर। किस प्रकार सागर? अति दुस्तर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और रोग शोक, ये भामर है। ज्वाला यंत्रणा पीड़ा ये सतत बनी रहती, जैसे लहर तरंग, सतत तरंग आ रहा है। और संसार शब्द का अर्थ है सब कुछ। सब कुछ क्या? सब कुछ चलायमान है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु यहाँ टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। यहाँ तक मेरा शरीर भी आता है फिर निकल जाता है। व्यक्ति इंसान आ रहा है जा रहा है, तो ये आना और जाना इनका स्वाभाविक स्वभाव है। जन्म मृत्यु स्थिति नाश, ये संसार में ये सब स्वाभाविक रूप से गतिशील है। संसार शब्द का अर्थ है गतिशील। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और हर परिस्थिति, तो संसार सागर, उस सागर में हम लोग गिरा हुआ हूं, मैं गिरा हुआ हूं। कितना दिन से कहा गया संसार को जिस प्रकार समुद्र, किस प्रकार समुद्र? अति दुस्तर, और उस पार जाने के लिए कोई नाव, कोई जहाज है ही नहीं। उत्ति तीर्षो, अगर कोई जाना चाहे उस पार तो कोई प्लव, कोई जहाज नहीं है। और दावानल, संसार सागर जैसा है ये तो दृष्टांत है, और दावानल भी है। आग का लपेट में, तो आग क्या है ना, ये आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक। भूतों से, प्राणियों से जो कष्ट आ रहा है, ये कष्टों को आध्यात्मिक, आधी भौतिक कहा जाता है। अभी प्रकोप नहीं है, जो बाढ़ आ रही है, आधी तूफान, लेकिन सतत शरीर मन बुद्धि से जो कष्ट महसूस हो रहा है यह है आध्यात्मिक। संसार शब्द में ये बाहरी स्थिति तो है ही, ये शरीर भी तो मेरा संसार है। मेरा सबसे बड़ा संसार कौन है? जब तक इसके बीच में मैं हूं, यही तो मेरा मकान है ना, यही तो मेरा ठिकाना है। इस ठिकाना के लिए ही तो बाहर का ठिकाना, लेकिन मेरा घर, मेरा निवास, ये मेरा शरीर।
ये समझना ही बेवकूफी है, क्योंकि इसका नाम है देह। देह शब्द का अर्थ है उपताप, तापी ताप। लेकिन इस देह अगर भजन में, भक्ति में, भगवत सेवा में लग गया तो ये देह प्यूरीफाई होता जाएगा और हम इस देह से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति आएगी कि हम शरीर के, शरीर से बाहर जीते जीते, वैसे उपाय क्या, शरीर से हमें बाहर जाना पड़ेगा, माने शरीर को भूलना पड़ेगा। इनका सूत जहां तक हो धीरे 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 ह्रास होता जाएगा। तो ये शरीरी संसार है, क्योंकि अगर जंगल में भी गया तो शरीर में आवेश आए तो वहां भी कोठी बन ही जाएगा, वहां भी कपड़ा लत्ता सारे सौदा बक्शा सब पहुंच जाएगा, क्योंकि शरीर में अपनापन है, शरीरी संसार है। अच्छा, शरीर का बीच में और भी एक संसार है, और भी एक लकार है। जैसे अलमारी की बीच में, आपने तो अलमारी खुला लेकिन उसके बीच में, तो ये मन और भी मजबूत संसार है। भागवत जी कहते ये मन ही हमें घुमा रहा है। हमें कौन घुमा रहे हैं? मन। अच्छा, मन के बीच में और एक सेल्फ है, और भी एक है। जैसे लकार के बीच में और एक, वो है मेरी बुद्धि, मेरी टूटी फूटी बिगड़ी हुई बुद्धि। और वो बुद्धि के पीछे एक एनर्जी खड़ी है, एक शक्ति खड़ी है। बुद्धि के पीछे, जैसे बिजली की ये पंखे के पीछे या लट्टू के पीछे एक शक्ति खड़ी है, जिस शक्ति को आप बिजली कह रहे हैं, तो उसी प्रकार शरीर, मौन और बुद्धि कौन? मैं हूं श्री कृष्ण का एक क्षुद्रतम अंश, समुद्र का एक बूंद, सूर्य का एक सामान्यतम किरण, आग का एक क्षुद्रतम चिंगारी, ये मेरा स्वरूप है। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मेरा आवरण है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। तो शरीर जब मैं नहीं हूं तो शरीर संपर्कित जितना वस्तु है, ये कुर्सी है, ये कपड़ा है, ये कुछ है, ये गिलास है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये किसका है? बोले शरीर का है। का आवेश नष्ट हो जाता है जब शिशुपन, उसमें बालपन पैदा हो जाता है, तो हर चीज उनको दिखाई पड़ता है जो ये तो मेरा कुछ नहीं है। भक्त तो इस भावना को दूसरे प्रकार से लेते हैं। भक्त की भावना कुछ दूसरी प्रकार की होती है। वो कहते सब प्रभु का है। बोले ये शरीर किसका है? बोले प्रभु का दिया हुआ दान है, इसीलिए ये क्वार्टर्स है मेरा, इसीलिए उनका भजन के लिए ये मेरा कार है। जीवा किसलिए मिली ना? उनकी नाम, उनका नाम करने के लिए, उनकी कथा, उनका प्रसाद पाने के लिए। आग किसलिए मिला? ना प्रभु को दर्शन के लिए, भक्तों को देखने के लिए, ये मेरा एक सुजोग मिला। कान किसलिए मिला? ना सुन गया। और जो ज्ञानी है वो कहते ये शरीर का है। भक्त तो ऐसे कहते नहीं ये शरीर का है, भक्त कहते ये भगवत सेवा के लिए।
तो ये भक्तों की भावना और ज्ञानी योगियों की भावना में ये सामान्य अंतर है। लेकिन बाहर जाना है दोनों को ही, ये संसार दाबानल, एक दार ठीक किया और दूसरे दार, तो लहर आ रहा है, इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है। अच्छा, बुद्धि में भी ताप है और इंद्रियों में ताप है। इस दाबानल में हम लोग लीर है। संसार दाबानल लीढ़ शब्द का अर्थ क्या है? लीह आस्वादने, लीह धातु लेगा नहीं। यहाँ तक कि दान पुण्य व्रत तप ज्ञान जोग से भी जाएगा नहीं। ये घड़ा का पानी है, पाइप का पानी है, टंकार से पानी दिया जा रहा है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए बादल का पानी, बारिश चाहिए। दूसरे को दुख देख के उनको वो दुख दूर करने के लिए जो चित्त का जो एक विगलित अवस्था है, मेरा दुख देख के आपका दिल विगलित हो गया, वो विगलन की अवस्था का नाम है दया या करुणा। इस करुणा का कार्य क्या? तो ये करुणा क्या जीव में है? हम में भगवान की जो भक्त है उस भक्त में भगवान करुणा जी को भेज देती है। ये करुणा जी भक्त के दिल में जाके तुम निवास करो। जब ही भक्ति महारानी आ जाती है, भक्ति महारानी की ही परछाई रूप में, भक्ति महारानी ही की ही प्रभाव रूप में करुणा भी भक्ति के पीछे पीछे आ जाती है। वो करुणा भी निष्पक्ष नहीं हुई, निस्वार्थ नहीं हुई। जो भगवान की जो करुणा, वो करुणा, अच्छा करुणा का कार्य क्या है? सबसे बढ़कर करुणा क्या? दया। नजीब को इसी लपेट से बाहर निकल लेना। अस्पताल बना दिया, मरीजों को देखना, या आजकल होता है जो की सेवा करना, तो दया व करुणा का कार्य है अंतर में संबंध ज्ञान और सेवा अभिलाष को जगाना। भगवान की करुणा मुझ में हुई, भगवान की दया मेरी ऊपर हुई, इसका प्रमाण क्या? ये भगवान से संबंध जुड़ने। पुनः वो बादल रूप में एक आकार ले लिया। बादल का एक आकार है। करुणा क्या हो गया? घन हो गया। करुणा क्या हो गया? घना। जब जैसे पानी आप उबाल रहे हैं ना, तो पानी ऊपर उठ जा रहा है, सूक्ष्म हो गया। तब तो उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन पानी जमकर जब बादल जमकर एक आकार ले लिया, कारुण्य घना घनत्व। संसार है दाबानल, इस शब्दों को ऐसे बिखर दीजिए, संसार है दाबानल, लीढ़ माने उसके निपट में है। अब उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है करुणा। करुणा कहाँ ढूंढेंगे? बोले करुणा आकार लेकर के ऊपर में आ गया, आ गई। कारण अवश्य वो गुण का सागर है, निखिल सद्गुण का सागर है, तो मिलेगा क्यों नहीं? गुणानाम अर्णवस्य।
ये षष्ठी विभक्ति, यहाँ आके विभक्ति हुई, इससे पहले विभक्ति कहा संसार दावानल नीरह लोकस्य। देख अच्छा, ये करुणा उछलती रहती है, ये दया, ये सागर ऐसा उछलता रहता है, करुणा दया उछलती रहती है, ये दया सागर उछलता रहता है। आपने देखा करुणा का उछलना, दया का उछलना, देखा? बोले देखा नहीं, ये खोल करताल ले, करुणा कांप रही है, दया रो रही है, रोमांच कंप अश्रु, ये तरंग, इस तरंगों को जिन्होंने प्राप्त हुए आज अजीर्णी तरंग आज सचिव, पहले करुणा नाच रही है, करुणा को आप लोग पकड़ ली है, करुणा पकड़ गई, ये दया और ये करुणा कहाँ है, किस रूप से है, ये आपको कहे ये तो पीतल का है, ये लकड़ी का है, ये पत्थर का है, और सेवा भी ऐसा है, हम जैसा ऐसा तुलसी फेंक दिया, ऐसा फूल लेके दे दिया, ऐसा जैसे पुजारी समय आते जो पुजारी का तनखा मिलेगा, इसीलिए वह आराधना श्री विग्रह, श्री को अगर माइनस कर दे पोछ दीजिए, मैं इंसान हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, अगर करुणा भल्लू हो के शेर हो के आ गई तो उचित नहीं होगी, होगा उचित? करुणा अगर भल्लू हो के शेर हो के सर्प हो के आ गए, कहीं भूत प्रेत हो के आ गई, तो मैं इंसान हूँ, करुणा भी इंसान हो के मेरे पास में आई है। नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना को विग्रह सेवा, क्योंकि विग्रह सेवा से प्रेम, अगर प्रेम हुआ भोग लगाने से मैं अवश्य ग्रहण करता हूँ, लेकिन खुशबू लेता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, लेकिन आस्वादन रसास्वादन करता हूँ भक्तों को जीवा में, भक्तों का जीवा में बैठ करके भगवान पापर खा रहे हैं। अपार माधुर जलीला लीला रूप गुण नाम, देखिए या बुद्धक्रम में है, ऐसा कहना तो उचित है, नाम पहले नाम को पकड़ना पड़ता है, फिर नाम गुण, पहले नाम को पकड़ा, फिर नाम प्लस गुण, फिर नाम प्लस गुण रूप, आगे चल करके नाम, अगर राम जी की करुणा हमें पकड़ी तो अवध में ले जाएगी, फ्लाइट में अगर हम लंदन का फ्लाइट पकड़ा तो हम किधर जाएंगे, कराची तो नहीं जा सकते, श्रीलंका तो नहीं जा सकते, कोची तो नहीं जा सकते। तो ये जो करुणा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो करुणा की बात कह रहे हैं, ये करुणा श्री जी की सीधा करुणा है, और ये करुणा श्री जी की ही परछाई है, और हमें कहाँ ले जाएगी, श्री जी के पास ही ले जाएगी, कहीं दूसरा स्थान में लेगी नहीं, भेजेगी नहीं। तो ये करुणा जो श्री जी की करुणा है, श्री जी की परछाई है, वृषभानुनंदिनी की करुणा है, ये हमारा दिल मरुभूमि जैसा, पत्थर जैसा, वो आपके जल समेर जैसा है ना, राजस्थान का रेगिस्तान मरुभूमि जैसा, वहाँ भी पानी, वहाँ भी नदी की धारा, वहाँ भी बार लाएगी इस विषय में, और साक्षात राधा माधव की सेवा विषय में निपुण है ना, और बलिष्ठ कर रहे हैं अधीक्षक से,
तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहेंगे आप पागल है क्या, आप थानादार से सीधा संपर्क करें, अगर कुछ कार्रवाई होगा तो थानादार ही तो कार्रवाई करेंगे, उनका रिपोर्ट ही मान्य होगा ना। तो इसी प्रकार आप अगर आपका पैसा चाहिए तो यह बैंक में जहां आपका खाता है आप वहां नहीं जाके सीधा रिजर्व बैंक में गवर्नर के पास चले गए तो वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं या ट्रेजरी से। तो आपके पास जो करुणा जी आई है वो करुणा जी को आपको साक्षात गवर्नमेंट मानना चाहिए, साक्षात हरि तेना, इसीलिए कह रहे हैं ये जो विज्ञ नगति तो अगर रेड लाइन लग गया, अगर रेड लाइन